सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए इस दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 22 से। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 22 देखते हैं। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस से कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार। कहता है कि जो तुम्हारे पिछले जीवन के, कहता है जो तुम्हारा पिछला जीवन था, उस पिछले जीवन में जो तुम्हारा पिछला चाल चलन था, जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व था, पुराने मनुष्यत्व में जो तुम्हारा स्वभाव था, तुम्हारा चाल चलन था, आचरण था, व्यवहार था, कहता है वो सारा स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार जो है वह तमाम भरमाने वाली अभिलाषा से भरा हुआ था। तमाम भरमाने वाली अभिलाषा जो हमें संसार के इस धुन में भरमा कर रखती है और जिसका परिणाम विनाश है। कहता है कि जो तुम पुराना जीवन जीते थे मसीह के पास आने से पहले, जो जीवन तुम्हारा जो जीवन था, उस जीवन में जो तुम्हारे चाल चलन स्वभाव थे, कहता है वह भरमाने वाली अभिलाषाओं से भरा हुआ था। जो अभिलाषा भ्रष्ट था, बुरा था, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ का था। कहता है हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो, उन सारी अभिलाषाओं को क्या करो, उतार डालो। तुम उन पुराने जीवन को क्या करो, उतार डालो। तुम अपने उन स्वभाव को अपने अंदर से निकाल दो और कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तुम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, यानी जब तुम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के द्वारा जो तुम्हें आत्मिक जीवन जीने का स्वभाव दिया गया था, जो तुम्हें परमेश्वर का मन दिया गया, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का हृदय तुम्हें दिया गया है, परमेश्वर का स्वभाव, चाल चलन, वह सब कुछ जो तुम्हें दिया गया है, कहता है कि मन के आत्मिक स्वभाव में तुम क्या करो, नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में तुम क्या करो, नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को क्या करो, पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। कहता है तुम उस मनुष्य को, कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ और कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो। कहता है उस मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर ने तैयार किया है और जो परमेश्वर के द्वारा तैयार हुआ जो मनुष्यत्व है वह सत्यता से भरा हुआ है, परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की धार्मिकता से भरा हुआ है। कहता है उस स्वभाव को तुम, उस मनुष्यत्व को तुम पहन लो जिस मनुष्यत्व के अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का चाल चलन है, परमेश्वर का व्यवहार है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता भरी हुई है। कहता है कि जो मनुष्य इन सारी चीजों से सृजा गया, तैयार किया गया है, कहता है उस मनुष्यत्व को ग्रहण कर लो, उस पुराने मनुष्यत्व को त्याग दो। क्योंकि पुराना मनुष्यत्व क्या करता है, तुम्हें विनाश की तरफ लेकर जाता है। पुराना मनुष्यत्व क्या करता है, तुम्हें बुरे बुरे कामों में उलझाता है, तुमसे बुरा काम करवाता है। क्योंकि जब पुराने मनुष्यत्व में थे
तो कहता है कि तब आपके द्वारा क्या होते थे, चोरी, हत्या, बुरे विचार, व्यभिचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना, लोभ लालच करना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना, गाली, यानी तमाम तरह के बुरे बुरे काम होते थे। लेकिन जब हम मसीह के पास आए और मसीह के द्वारा नया मनुष्यत्व को आपने पाया, नया जीवन को जब पाया, उस जीवन में पवित्रता ही भरी हुई, क्योंकि वह जीवन क्या करता है, मन को, वचन को, कामों को क्या करता है, पवित्र करके रखता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मसीह को पा गए, मसीह के पास आ गए, पुराने मनुष्यत्व को त्याग दो, नए मनुष्यत्व को धारण करो जिसको परमेश्वर ने सृजा है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सृजी गई सारी चीजें पवित्र होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी उस परमेश्वर के द्वारा सृजा गया जो जीवन है उसे ग्रहण करो, अवश्य कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना सबके लिए करने जा रहे हैं, जरूर है कि आप सभी के जीवन में परमेश्वर एक नई आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है सुराजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन में हे परमेश्वर, ऑनलाइन में जुड़कर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, आज सबके जीवन में तू अपनी बड़ी ब्लेसिंग होने दे, सबके जीवन में अपनी बड़ी आशीष आने दे, ताकि हे परमेश्वर इनके द्वारा जितने पाप गुनाह हुए उन सारे पाप गुनाहों को क्षमा कर, इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि ये तेरे भारी दया भारी करुणा के अनुसार हे परमेश्वर ये जीवन पाए और बहुत आज के जीवन। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाए, कोई दुष्ट आत्मा, सैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से, भारी दया से भर दे मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता, ये तेरे विश्वासी प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु इनके शरीर पे जो भी दुख है, जो भी परेशानियां, सब खत्म होने पाए, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से इन्हें मुक्त कर दे प्रभु। जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, वो बीमारी से मुक्त होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा से मुक्त होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, कान में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में कोई तकलीफ हो निकल जाए, मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में कोई प्रॉब्लम हो नष्ट होने पर, पेट में कोई तकलीफ हो पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में तो कमर की तकलीफें, घुटने में तो घुटने की तकलीफें निकल जाए, अरे जोड़ो जोड़ो का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर जो भी है वह नष्ट हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में पथरी हो तो निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, इनके शरीर में लकवे की बीमारी हो तो निकल जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल बाहर निकले, पथरी हो तो नष्ट हो नहीं पाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग हो तो नष्ट होने पाए, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे अलौकिक काम करने वाले प्रभु, तो अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें डाप, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे मेरे प्रभु, हम विनती करते पिता। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है, कर्जा आधा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, जो तेरी सेवा करने वाला उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वो पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। जितने लोग प्रभु तेरे वरदान को चाहते थे, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के झरोखे को खोल और उन्हें नए नए वरदान देकर आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, जो अपने जीवन में निराश है, आज से निराशा समाप्त हो जाए, आज से उदासी समाप्त हो जाए, आज से इनके जीवन में सब कुछ नया नया होना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते हैं सुराज, तेरे नाम में सबके लिए तेरी सारी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।